फ्रेंड की साड़ी है तो इसके अंदर फोल लगानी है। आपकी वाइफ घर तो बैठी रहती है, लगा देगी फोल, 70 रुपए ले लेगी, 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लेगी बेचारी। मैरून कलर की ले आ दो साड़ी, ये रेड मैरून सब पे चली, ज्यादातर साड़ियों में मैरून चला जाता है। ले आ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब भाई? आज फिर गाड़ी में कहोगे साले सारे प्रैंकों की रचना तुम्हारी गाड़ी में ही हो रही है। एक्चुअली गाइस क्या है कि मैं जब ऑफिस जाता हूँ, रिटर्न आ रहा होता हूँ, तभी मेरी मोस्टली सारी प्लानिंग होती है, ऑफिस के अंदर होती है। आज भी मैंने अपनी वाइफ के लिए गजब का बिजनेस चूज किया है। बिजनेस है साड़ियों में फॉल पीको लगाने का, और पहली साड़ी भेजी है हमारी परम मित्र, नाम तभी के तभी डिसाइड कर लेंगे, फिलहाल मैंने नहीं सोचा है नाम, ठीक है। तो ये साड़ी उसने भेजी है कि अपनी बीवी से फॉल पीको लगवा के आ जाना। अब पता नहीं, मुझे तो पता नहीं फॉल पीको क्या होता है, लड़कियों की आइटम लड़कियां ही जाने। फॉल पीको लगवा के आना, और बाहर मार्केट में 70 रुपए दे रही हूँ, आपकी बीवी के नाम पे बिचारी की शक्ल देख करके 10 रुपए फालतू दे दूंगी मैं, ठीक है। तो 80 रुपए दे रही है वो मेरी बीवी, और अपनी वाइफ के लिए ये बहुत ही इरिटेटिंग वाला विषय रहेगा। वैसे ना आज एक बड़ा ही कंफर्टेबल पॉइंट ये है कि आज के प्रैंक के बाद मेरी बीवी को मुझे मनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रैंक के बाद तो ये साड़ी उसी की होने वाली है जो मैं परचेज करके लाया हूं। तो बेसिकली बहुत मजा आएगा, अंत तक देखें और बढ़िया से देखें, और चलते हैं फिलहाल इस साड़ी को लेकर के घर। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो, वीडियो को जल्दी से लाइक ठोक दो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो, और बेल आइकन नहीं दबाइए कभी, घंटा नहीं बजाया कभी, तो बेल आइकन को प्रेस कर दो फटाफट, ठीक है, ताकि हम हमारी और वीडियोस को और अच्छे से बना सके आपके सपोर्ट के चलते, ठीक है। सो गाइस अभी मैं चलता हूँ इस साड़ी को लेकर के अपने घर, और अपनी बीवी से आज इस पे लगवाते हैं फॉल और पीको। पीको आई डोंट नो व्हाट इज अ पीको, आई जस्ट पीको मैंने देखी, तो पीको लगवाते हैं इस पे, पीको कराते हैं, फॉल कराते हैं अपनी बीवी से, और उसको जम के इरिटेट करेंगे, जम के मजे लेंगे आज, ठीक है। तो आज के वीडियो में बहुत मजा आएगा गाइस, और आइए चलिए अब चलते हैं। A few moments later. देखिए कितने व्हाइट बाल हो गए, 1, 2, 3। अरे साड़ी तो बहुत सुंदर लाए थे। ये साड़ी की पड़ रही है, दाढ़ी में चांदी निकल आई। चांदी की बात नहीं कर रही मैं, साड़ी की बात कर रही हूँ। कैसे लग रही है? अच्छी लग रही है। अच्छा कब करा लो तैयार? यार तो तेरे को आज ही करनी है। आज ही? हाँ आज ही करनी है। सुंदर लग रही है, मेरे पास ये कलर था भी नहीं। इसमें फॉल किस कलर की जाएगी? ये मैरून से रंग में, रेड मैरून है ना, तो वैसी ही जाएगी। तो मैरून कलर की फॉल ले आऊं इसकी? ले आऊं क्या, मैं बाहर दूंगी ना इसको। कितने में लगती है बाहर? बाहर 60 रुपए लेती है। कितने? 60 रुपए। 60? हाँ अरे एक फ्रेंड की साड़ी है तो इसके अंदर फोल लगानी है। वो कह रही थी बाहर 60 रुपए लगते हैं, आपकी वाइफ घर तो बैठी रहती है, लगा देगी फॉल, 70 रुपए ले लेगी, 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लेगी बेचारी। मैं कहा ठीक है जी, मतलब साड़ी मेरी नहीं है? नहीं, फॉल लगानी है इसमें। तो तुमने अपने ऑफिस में मेरी क्या इमेज बना रखी है? मैंने क्या इमेज बना रखी है? क्या इमेज बना रखी है मतलब मैं इतनी उठाई गिरी हूँ कि मैं ये सब 10 रुपए के पीछे मैं ये सब करूंगी, फॉल लगाऊंगी? तो मेरे पे इतना आसान कर रही है, 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है मुझे। तो घर बैठे अपना वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, उसमें दिक्कत क्या है तेरे को? मतलब मेरे पे इतना एहसान क्यों कर रही है वो, जो 60 बाहर मिलते हैं तो वो ट्राई ले रही है यार, अभी सिर्फ ना तेरे हाथ की सफाई देख रही है वो। एक बार तुम इस पे फॉल लगा के दे, अगर उसको वो फॉल सफाई तेरी ठीक हुई हाथ की और अच्छी फॉल लगी, तो वो फिर वो अपने घर के खानदान के जितने भी आस पड़ोस के हैं सारी साड़ियाँ दिया करेगी, फॉल लगाया करेगी। एक दिन में कितनी फॉल लग जाती है साड़ियों में? मुझे क्या पता, मैंने क्या एक काम फैक्ट्री खोल रखी है इसकी। एक फॉल में कितना टाइम लगता है? घंटा भर लगता होगा। दिन भर में अगर मान ले तो क्या नाम है,
6 घंटे भी फ्री रही तो 6-6.5 फॉल लगी तो 742 यानी 420। अरे 420 रुपए बन गए 420 और एक दिन में। ज्यादा ना अपनी ना बदतमीजी कम दिखाओ, अपनी कैलकुलेशन है ना अपने पास रखो। इसमें प्रॉब्लम क्या है तेरे को? काम मिल रहा है घर बैठे यार, वर्क फ्रॉम होम में अपना खर्चे निकाल लेगी और क्या है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा गोल्ड वोल्ड बन जाएगा कान का, पैसे इकट्ठे कर कर यार। मैं ये काम कब से मैं क्यों करूंगी? तुमने अपने ऑफिस में मुझे क्या बोल रखा है कि मेरी बीबी कुछ भी काम कर लेती है? मैंने बोला मेरी बीबी को ऑलराउंडर है, सब सारे काम आते हैं उसको। ये नहीं बोला कि मेरी बीबी कूट भी लेती है अच्छे से? वो बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तू शादी से पहले सिलाई विलाई सीख रही थी ना? हाँ तो इतना तो आता ही होगा यार। हाँ तो सिलाई तो आती है बोलो। तो मैं तो सोच रहा था पीको की भी मशीन डाल दूंगा घर पे एक दिन। तो मतलब मैं ये काम नहीं करती ना मैं ये? अरे तो पीको का काम करा करियो घर पे, फॉलिंग का काम करा करियो, साड़ी में फॉल लगाने का, साड़ी के फॉल सा। मजा आ जाएगा कसम से, पैसे छापेगी, पीको के पैसे अलग से मिलेंगे, फॉल के पैसे अलग से मिलेंगे। देखो ऐसा और सिलाई अगर ठीक ठाक है मैडम को बोलो। किस मैडम को? ठीक है जिन मैडम ने ये साड़ी दी है कि जाके ना कहीं से भी करा ले। तो तू नहीं कर रही है? मैं नहीं कर रही, इज्जत से बोल रही, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं नहीं कर रही हूँ, मैं क्यों करूंगी? मैं किसी की नौकर हूँ क्या? मैंने ये काम खोल रखा है यार। वो मुना करा तो कहीं भी लेती, और वो खुद बोल रही है। और तुम मैं... नहीं दे रहे उसकी हिमायती क्यों बन रहे हो? इतनी हिमायती क्यों बन रहे हो? देखो मैंने उससे वो है कौन जो तुम्हें साड़ियाँ दे रही है कि पीको कर दो? यार वर्क फ्रॉम होम के लिए पूछा था भैया, कोई है 2-4 घंटे का काम तो हूँ। तो तुम्हें भी मैं ही नजर आई हूँ तो तेरे लिए पूछूंगा ना, और किसके लिए पूछूंगा? अपने लिए पूछूंगा वर्क फ्रॉम होम, मैं तो खुद ड्यूटी जाता ही हूँ। और मार्केट में बाहर 60 रुपए देती है वो, तेरे को 70 रुपए दे रही है, मेरी जान पहचान अच्छी है इसलिए। 10 रुपए के पीछे है ना, मैं ये सब काम नहीं करने वाली हूँ, मेरे पे बहुत काम है बहुत। 15 एक्स्ट्रा दे तो यार, 15 रुपए का मार्जिन ठीक है, और वैसे भी 60 रुपए बाहर लगती है तो वो भी तो कुछ कमाते ही होंगे, तो देखा जाए तो कम से कम नहीं तो 25 रुपए का मार्जिन तो है ही। और दिन भर में 6 साड़ी करेगी मतलब और कोई काम नहीं, मैं साड़ी पर खोल लगाती रहूं तो उसमें दिक्कत क्या है यार? काम ही है ये भी एक प्रकार का। मैंने आज तक अपनी साड़ी पर फोन नहीं लगाई, मैं महारानी की साड़ी पर फोन लगा के दूंगी। जरूरी थोड़ी उस महारानी की, और भी महारानियों की आएंगी साड़ियाँ, उनकी सबकी साड़ी पर फोन लगाने पड़ेगी ना, तभी तो वार्निंग होगी। तुम बाहर जाके मेरे बारे में क्या बोलते, मेरी बीवी क्या करती है? कुछ नहीं। तुमने ऐसा क्या बोला हुआ है जो मैं तुम साड़ी उठा के ले आए हो कि वो फोन लगा देगी मेरी बीवी? तो बोला तो कि ये बोला हुआ कुछ नहीं करती है, घर पर रहती है। मैं कुछ नहीं करती। अरे मतलब मैं कुछ नहीं करती घर पे काम के तुम्हारे? अरे वही तो बोला है यार, घर पे रहती है, कुछ नहीं करती है, घर पे रहती है, घर के काम करती है, दैट मींस कुछ जॉब वगैरह नहीं करती है। पूरी बात सुना कर यार, हर चीज ये जॉब भी लिएगी घर में बैठ के मैं फोन लगाऊं 15 रुपए एक्स्ट्रा? तो तू किस चीज के जमाटे में डिलीवरी करवा दे? मेरी इमेज खराब कर रखी है, सच्ची बता रही हूं। मेरा ना तुमने दचियां उड़ा रखी अपने ऑफिस में। तो भाई पार्ट टाइम काम में यही तो होते हैं, वर्क फ्रॉम होम, और क्या जोमेटो की डिलीवरियां करेगी ऑर्डरों की? किला बच्चे ट्यूशन छोड़ी आई वहीं डिलीवरी निपटाएगी। क्या पार्ट टाइम करने की भी? तो मैं तो तेरी अर्निंग और बढ़ा देंगे। नहीं मुझे नहीं चाहिए ऐसी अर्निंग, महीने के 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए की हो जाएगी। और तेरा क्या नाम है, बाकी अन्य अदर इनकम सोर्स वो सब अलग, कुल कुल इसको भी मिला लेगी, उसके अंदर ज्वाइंट कर लेगी तो 1 लाख 1.25 लाख रुपए की होगी तो महीने की, और पैसा जितना हो उतना कम। समझ में आया? ठीक है तो चले हम साड़ी पे ले जाओ। ठीक है तो पक्का फाइनल है? चलो ठीक है मैं लगा दूंगा। लगा दिया ना? देगी ना? फोन लगा दूं? मैं ले तो ले आना फिर जा करके। ले आऊंगी ले आऊंगी। फोन ले एक बार निकाल के तो देखो, कॉस्टिंग तो निकाल लूं इसकी, क्या कॉस्टिंग आ रही है, सुई धागा फोन इन सब की। उसका कलर का वो ले आऊं, साड़ी का मैरून कलर बोल दिया उसको ले आएगी। ठीक है।
पजामे तो नहीं, इसी कलर का तो पहन रखा है, साड़ी का। हाँ ये कलर है। सुना दो चार फॉल एक्स्ट्रा ले रही हो तो रेगुलर बेस पे भेजेगी साड़ियाँ, वो तो फिर मैरून चला जाता है। oh, no! तेरी माँ की। तुमने मुझे क्या समझ रखा है, समझ क्या रखा है यार, मैं ये फोन लगाऊंगी। उसको अभी मेरे सामने फोन करके बोलो कि मेरी बीवी को तूने समझ क्या रखा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि वो फोन लगाएगी साड़ियों में, वो अपनी साड़ियों में फोन आज तक उसने नहीं लगाई है। मेरा फोन निकल गया, उसे फोन करके बोलो खून क्या है, सब कुछ निकलेगा। अरे तेरी माँ की तेरी साड़ी है ये। मेरी माँ की मेरी साड़ी है मतलब? अरे यार मेरी माँ की है या मेरी है? तेरी है। तो फिर ये ड्रामा क्या था फोन लगाने का? तो बहन की पकौड़ी लग गई मेरे। ओए लग रही है यार। पहले मुझे सच सच बताओ, मैं क्या नीचे पजामे थोड़ी पहन रखी गरम तेरी तरह? ड्रामा क्या था ये? कुछ नहीं, मेरा एक प्रैंक शूट कर रहा है। अब इसको बाहर रख के, लग रहा है ना बदतमीज कहीं की। एनीवेज गाइस माफी चाहेंगे प्रैंक जल्दी एंड करने के लिए, क्योंकि मेरे ये बहुत तेज लग रहा था और ये मेरे रियलिटी में यहाँ पे ना लाल लाल हो गया होगा। मैं ये लगने के लिए मारने के लिए ही लाई थी। अब ना अब ठीक है, भुतियापा कर, मैं ये काम नहीं कर रही हूं। अब ये भुतियापा मत कर, समझ में आ गई? भुतियापा अभी तुम्हारा कुत्ते निकाल दूंगी। मेरे उंगली में भी खून निकल गया। एनीवेज गाइस फिलहाल ना भाई मेरी हिम्मत यही टूट गई, ठीक है? आप लोगों की हिम्मत जहां तक हो आप अपने घर पे जाके ये प्रैंक कर लेना। फिलहाल मैं इस प्रैंक को करता हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर न्यू थे तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे हर मजेदार वीडियो का आनंद आप सबसे पहले ले सको, ठीक है? और फेसबुक पे जाके ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है? बहुत मजा आएगा यार, कसम से दबा के मुझे करेंगे। और फिलहाल मैं इसको साड़ी ट्रायल करा लूं, बिल्कुल अच्छी है। बाय गाइस, बाय 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 बाय। तेरी माँ की तेरी, तेरी।